मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चुनाव आते ही लोगों में हर्षोल्लास बढ़ जाता है क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को अपने कीमती वोट उसे देने का अधिकार है, वो भी अपने पसंद के उम्मीदवार को। इसलिए इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मगर कुछ लोग अपना अनमोल वोट इसलिए नहीं देते कि हमें क्या करना है, किसी की भी सरकार बने और अपना अनमोल वोट नहीं देते हैं। मगर उन लोगों को वोट देने के लिए उलमाओं ने अपील की है, अपने मत का प्रयोग करें और देश के लिए एक अच्छी सरकार चुनें। हमारी जमीयतुल उलमा और भी उलमा की बहुत जमातें ये इस बात पे लगी हुई हैं कि मुस्लिम बिरादरी, मुसलमान लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। अगर किसी मोहल्ले में कोई वोट नहीं देता है तो मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि उसका वोट नहीं पड़ा है उसको घर से निकालें और घर से निकाल के उसका वोट डलवाएं। माँ बाप के ऊपर फ़र्ज होता है कि वो अपने बच्चों को, जो वोटर्स हैं, अपनी औरतों को और अपने घर के लोगों को हर एतबार से निकालें और वोटिंग करवाएं। अगर वोटिंग नहीं कराएंगे और हमारा वोट कम गिरेगा और उनका वोट ज़्यादा गिरेगा, हमारा तरफदार, हमारे मुल्क को बचाने वाला कैंडिडेट हम चुन करके नहीं देंगे और दूसरा आएगा जो फिरका परस्ती फैलाएगा वो आ जाएगा कैंडिडेट, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी हमारे ऊपर आएगी, हमारे मुसलमानों के ऊपर आएगी, हमारे वतन के लोगों के ऊपर आएगी, इसके जिम्मेदार हम होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का हम जायज़ा लेकर के देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो वोटिंग के मामले में काफ़ी सुस्त रफ्तार उसकी दिखाई देती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि फिर उसके बाद वो अपना रोना रोते बैठते हैं, मगर जो वोट जो एक हमारा अधिकार है, जो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा हमारा हथियार है, उसका हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमको चाहिए कि हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, हमारे उलमाए कराम से हम ये गुजारिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो लोगों के अंदर जो है वोट डालने की बेदारी को, मुहिम को जो तेज़ करे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि खता लम्हों ने की थी सज़ा सदियों ने पाई और उस बुनियाद पर हम जो है आगे 5 साल के अंदर जो है रोते हुए नज़र आएँ। वोट हमारा अधिकार है, ये फ़र्ज़ है, लिहाजा हमको चाहिए कि हम इसको बेदारी का सबूत देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कौम मुस्लिम जो है वो वोट का इस्तेमाल करे और एक अच्छी और बेहतरीन सरकार बनाने की पहल करे। हर मेंबर को, हर नुमाइंदे को वोटिंग में शिरकत करनी चाहिए। वो देश के साथ बहुत बड़ा तआवुन है और हमारा हिंदुस्तानी होने का, शहरी होने का बहुत बड़ा सबूत है और हमारे जमहूरियत के इस्तेमाल का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर मौका वही है कि हम अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट दें। इससे कतई नज़र कि हम जिसको वोट दें वो जीते या हारे या हमारा उम्मीदवार हमारा क्या भला करेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमको अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल करना चाहिए, 100% वोटिंग करनी चाहिए, पोलिंग में हिस्सा लेना चाहिए। उसके लिए थोड़ी बहुत मशक्क़त बर्दाश्त करें, धूप में जाएं, जाने आने में टाइम लगेगा, पैसा खर्चा होगा, तो हम बहुत से कामों पैसे खर्चे करते हैं, इसमें भी पैसा खर्चा करें। हर मेंबर को जिसको वोट पावर है जा करके वोट करना चाहिए। आप भी इस चुनाव में अपना कीमती वोट करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करें। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।